हो, मैं हूं डॉक्टर प्रदीप जना, केमिस्ट वाला। आइए आज हम फोर्थ पॉलीगेटिव प्रॉपर्टी को पढ़ते हैं, दैट इज डिप्रेशन इन फ्रिक्शन पॉइंट है। तो इसलिए मैं आपको ये बता दूं, अगर आपको ऑनलाइन क्लासेस लेनी बैच का है तो आप जो व्हाट्सएप है कि नहीं, तो उसमें आप 9871063554 आप क्या कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं, लेकिन बड़े इफेक्टिव रेट से आप ऑनलाइन क्लास ले सकते हो। थैंक यू सो मच। आई होप टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सो हम देखते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या होती है। ओके, तो कि द टेंपरेचर एट व्हिच द सॉलिड एंड लिक्विड फॉर्म ऑफ सब्सटेंस are in equilibrium। समझे? जिस टेम्परेचर में एक सब्सटेंस का सॉलिड और लिक्विड फॉर्म इक्विलिब्रियम में आ जाता है, लेकिन सॉलिड और लिक्विड ये इक्विलिब्रियम का सिंबल है बच्चे। जितनी टेम्परेचर देने से मुझे क्या होगी, मैं सॉलिड एंड लिक्विड फॉर्म जब इक्विलिब्रियम पॉइंट में है, मैं जितना सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होगी उतना लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर? अब हम बात करते हैं बच्चे, देखो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट यहां पे देखो कहता है कि ना, इट इज ऑब्जर्व्ड दैट द फ्रीजिंग पॉइंट of a solution is always lower than that of solvent. This is called depression in freezing point. Clear? अब ग्राफ के थ्रू में हम समझेंगे ये कैसे होता है। ग्राफ वेरी इंपॉर्टेंट है, दोनों की जो ग्राफ है, चाहे एलिवेशन हो चाहे वो डिप्रेशन। एक लाइन यहां पे मैं खींच दिया, ये हो गया वेपर प्रेशर की एक्सिस है, ये हो गया नीचे वाला एक्स एक्सिस जो टेम्परेचर की एक्सिस है। क्लियर? और यहां पे हम देखते हैं बच्चे, देखो ये ग्राफ, ये ऊपर हमेशा ये है इक्विलिब्रियम पॉइंट, That is T not F हो जाएगा। बच्चे ध्यान से देखो, यहां पे जो सॉल्वेंट है ऊपर हमेशा होता है, ये लिक्विड फॉर्म है, ये हो जाएगा फ्रोजन सॉल्वेंट है, फ्रोजन सॉल्वेंट पूरे पूरे यहां से फ्रीज हो रहा है। और इसको मैं थोड़ा सा यहां से एक लाइन और खींच दूं, अगर मैं इसको लेता हूं, ध्यान से देखो A B C पॉइंट है, सिमिलरली डी और ई, नीचे वाला हमेशा सॉल्यूशन है। अगर मैं देखता हूं कि टी नॉट एफ जो है सॉल्वेंट टी नॉट एफ में फ्रीज कर रहा है, तो सॉल्यूशन हो जाएगा थोड़ा पीछे को आएगा, टी एफ हो जाएगा, दैट डिफरेंस इज कॉल्ड डेल्टा टी। ध्यान से देखो, दैट सॉल्यूशन दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड डेल्टा टी एफ। जो सॉल्वेंट क्या करता है, अगर 0 डिग्री सेल्सियस में फ्रीज हो रहा है तो सॉल्यूशन के लिए -5 या -10 उसके पीछे की तरफ हमें आना पड़ेगा ना। ऐसा क्यों होता है, बहुत सारे बच्चों को मैंने पूछा है कि भाई ऐसा कैसे होता है, क्यों होता है, बच्चे बता नहीं पाते। बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट जाते हैं, एक नहीं वहां पता नहीं लिख लिख के आ जाते हैं लेकिन बता ही नहीं पाते है। फाइनली हमारे पास आते हैं तब हम बताते हैं कि भाई क्या मतलब है। कौन से बच्चा, अगर आपको मैं सवाल करूं आप बता दो कि सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट क्यों कम होती है। मैंने एक एग्जांपल, अच्छा सा एग्जांपल बताया बच्चों, समझ नहीं आ रही तो हमारा बच्चा देखो, तुम लोग बचपन में पेड़ के ऊपर चढ़े होंगे, लेकिन अगर ये देखो पेड़ है, एक ट्री है, पेड़ का मतलब ट्री है। थोड़ा केमिस्ट्री को भी कभी कभी क्या करना पड़ता है, लाइव एग्जांपल से समझाना पड़ता है कि नहीं, तो ब्रांचेस से अलग अलग ब्रांच होने के लिए। तो एक बच्चा देखो यहां तक चढ़ गया है कि नहीं, यहां नंबर 1.2, दूसरा बच्चा
नंबर टू तक ऊंचाई तक चढ़ गया है कि नहीं, पेड़ को चढ़ने में डर लगता है कई बार, है कि नहीं, ऊंचाई में जाते हैं डर लगता है। तो एक बच्चे ने 1 पॉइंट तक, एक ब्रांच तक चढ़ गया है, दूसरा दूसरी ब्रांच तक चढ़ गया है। बट देखो जब उतरने के टाइम आएगा, ठीक है, नीचे उतरने के लिए पेड़ से, तो एक नंबर में जो बच्चा है, जो एक फिर यहां तक चढ़ा हुआ है पास में, वो जल्दी उतर के आ जाएगा, आएगा या नहीं आएगा ना, आएगा। लेकिन जो दूसरा बच्चा है जो बहुत ऊपर तक चढ़ गया है, उसको आने में टाइम लगेगा और काफी डिस्टेंस भी उसको कवर करना पड़ेगा। तो जितना ऊपर तक चढ़ोगी तो उतना नीचे आना पड़ेगा। इसी तरह जो दूसरी जो ग्राफ थी हमारा एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट, अगर मैं इसको थोड़ा सा मिक्स कर दूं यहाँ पे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का लाइन यहाँ पे ले लूं, तो ये कि नहीं, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो इस कंडीशन में ये था हमारा टी नॉट बी, ये था टी बी। तो इसका मतलब क्या है ना, डेल्टा टी बी, सेम ग्राफ को मैं थोड़ा बढ़ा दिया आगे की तरफ है, ये वही सेम सॉल्यूशन है, ये ऊपर वाला सॉल्वेंट है, लेकिन इसको ज्यादा टेम्परेचर मिला हुआ है सॉल्यूशन, है कि नहीं, तो इसलिए इसको फ्रीज करने के लिए ज्यादा टेम्परेचर पीछे आना पड़ेगा। इसको फ्रीज करने के लिए हमें क्या करनी पड़ेगी ना, टेम्परेचर को और पीछे लाना पड़ेगा, तब जाके ये फ्रीज होगा, समझ पाए। तो इसलिए आपको ये देखना है, इसीलिए बच्चे इन सॉल्यूशन को फ्रीज करने के लिए हमें टेम्परेचर को डाउन करना पड़ेगा, क्लियर। अब हम बात आते हैं इसकी फॉर्मूला क्या होती है, डेल्टा टी एफ यहां पर आ जाएगा, दैट इज कितनी होगी ना, टी नॉट एफ माइनस टी, उल्टा होता है। और इसका दूसरी फॉर्मूला डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम होती है, के एफ होता है मोलर डिप्रेशन कॉन्स्टेंट है, एम जो होती है ये मोलारिटी होती है बच्चे। अगर इसी से हम देखेंगे, ये अगर कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास में निकाल दूं यहाँ पे फॉर्मूला, क्योंकि जितनी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, तो कितनी होगी ना, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू कितनी ना, के एफ इंटू जी बाय एम नॉट इंटू 1000 बाय डब्ल्यू इन ग्राम। तो एम नॉट को अगर मैं यहां ले जाऊं से इसी तरीके से ना, के एफ इंटू जी इंटू 1000 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी एफ इंटू डब्ल्यू। तो सेम वही कहानी है जैसे हमने डेल्टा टी बी में पढ़े थे, ऑलमोस्ट सेम है, बट दोनों ग्राफ इंपोर्टेंट है। दोनों ग्राफ क्या है ना, इंपोर्टेंट है। इसलिए एक छोटा सा वीडियो इसके बाद में डालूंगा, इसके एप्लीकेशंस अलग से भी बताऊंगा कि एप्लीकेशन ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट वो भी काफी इंपॉर्टेंट होती है। तो इसीलिए अगला वीडियो को देखना नहीं भूलना है, और इसका न्यूमेरिक भी बहुत सारे चीज है कि नहीं। अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो चाहे किसी गांव के अंदर बैठे हो, इंडिया के किसी कोने में बैठे हो, तो आपको ट्यूशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम ऐसा कर रहे हैं अभी कि आप अगर हमारा ऑनलाइन बैच में अगर जुड़ते हो तो बहुत ही कम रेट में यू कैन लर्न फ्रॉम एनीवेयर फ्रॉम इंडिया, ये फैसिलिटी हम आपको दे रहे हैं। लेकिन वीकली 2 क्लास हम लेंगे, लेकिन आपको ध्यान देना है जो कि ऑनलाइन एक डायरेक्ट लाइव रहेगा ये यूट्यूब में, तो इसलिए आपको क्या ही मौका नहीं गवाना है। अगर आपको ज्यादा लेकिन कॉन्टैक्ट करना है तो ये व्हाट्सएप नंबर 9871068354 एक डॉक्टर प्रदीप सेना से कॉन्टैक्ट कीजिए। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट, थैंक यू सो मच। लेकिन लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलना है, और नेक्स्ट वीडियो को भी वॉच करना है। थैंक यू सो मच।